नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूँ आपके साथ अनिका महेश्वरी। दुर्गाष्टमी को लेकर आज देश भर में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं रादौर में भी लोग अल सुबह ही मुख्य बाजार स्थित प्राचीन देवी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद स्थानीय लोगों ने घरों में कंजक जमाई, लेकिन आज कंजक पूजन पर कन्याओं की कमी भी साफ देखने को मिली। कंजक पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर ले जाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कन्याओं को जिमाना, कन्याओं को भोजन कराना तभी सार्थक हो सकता है जब हम भ्रूण हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाएं, हम लोग कन्याओं को मारें, हम लोग भ्रूण हत्या करें और फिर कंजिकाएं जिमाएं, इसका कोई महत्व नहीं है। तो हमें इन कन्याओं की रक्षा करनी बहुत आवश्यक है और तभी हमारी नवरात्रि जो है वो सफल हो सकती है। आज हमें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी क्योंकि कन्याओं को जो है वो लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता, लड़कों को ज़्यादा प्यार दुलार दिया जाता है। तो हमें कन्याओं के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, घर घर घूमना पड़ा। हमें लड़कियों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि जो लड़कियां भी हैं वो आगे आ सकें। दुख की बात आती है कि आज माता का दिन है, पीरों पैगंबरों का देश है, पीरों पैगंबरों की धरती है। आज माता की जो सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी लोग रहते हैं वहाँ मनाई जाती है। तो देवियों को इकट्ठा कर रहे हैं, देवी मिल नहीं रही है, कंजकें मिल नहीं रही हैं, ये क्या हो गया मेरे मुल्क की तस्वीर को। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हम बेटियों को गर्भ के अंदर ही मरवा रहे हैं। अरे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी, पर हमें बख्शेगी नहीं कि ये हो क्या रहा है। ये कंजकी होती हैं, माता का रूप होती हैं हिंदुस्तान का, कहीं भी हो। आज मैंने खुद देखा है, हम खुद मत्था टेकते हैं, हम कंजकों को मत्था टेकते हैं। हमारे लिए इतनी पूजनीय है, ये पूछो ना, अगर देश जिंदा है तो मैं सोचता हूँ इन पीरों पैगंबरों की मेहरबानी से ही जिंदा। मगर मुझे अफसोस है, दुख से कहना पड़ता है कि आज हम ढूंढ ढूंढ के थके हैं, हमें 5 कंजकें नहीं पूरी मिली। फिर हम बड़ी मुश्किल से उनके घर देख रहे हैं, क्या ये पूछ रहे हैं ये देश की। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।